सादर नमस्कार। कक्षा अष्टम विषय विज्ञान अध्याय चार पदार्थ धातु तथा अधातु मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्न को हल कराएंगे। प्रश्न आठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और यह परीक्षा में पूछा जाता है, अतः इसे आप अच्छी तरह से याद करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से तैयार भी करेंगे। क्या होता है जब का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कापर प्लेट पर डाला जाता है? उत्तर आठ का, जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पर कापर प्लेट पर डालते हैं तो कापर सल्फेट जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं। इस अभिक्रिया का समीकरण नीचे लिखा हुआ है और यह संतुलित समीकरण है, 2H2S4 प्लस CU यह अभिकारक है। उत्पाद के रूप में CuS4 कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O जल प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न आठ का, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। उत्तर, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके उपरांत लोहा जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर या कम अभिक्रियाशील धातु है, अतः लोहा कॉपर को सल्फेट विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है, Fe अर्थात आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट की जब आपस में क्रिया होती है तो FeSO4 अर्थात आयरन सल्फेट और Cu अर्थात कॉपर उत्पन्न होता है। इस प्रकार से अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 उत्पाद बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात FeSO4 प्लस Cu बनता है। प्रश्न, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठी किया, का वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? ख, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। उत्तर नौ का, सलोनी परख नली में इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर उसे उसमें घोलने का प्रयास करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 उत्पन्न होती है और यह गैस पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 उत्पन्न करती है, जिसकी प्रकृति का परीक्षण सलोनी लिटमस पत्र की सहायता से कर सकती है। यदि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति अम्ली है अन्यथा क्षारी है। उत्तर नौखा, इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है, सी अर्थात कार्बन प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं अर्थात CO2 गैस बनाते हैं। CO2 का अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जल अर्थात H2O से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल अर्थात H2CO3 बनाता है। प्रश्न 10, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उसका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? उत्तर, भार में कमी आभूषणों में सोने की मात्रा कम होने के कारण आई। हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि सुनार ने आभूषण को चमकीला बनाने के लिए उसे एकारे जिया अर्थात अम्लराज नामक घोल में डाला होगा, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल कंसनट्रेट HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का घोल होता है। यह घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषणों की परत इस घोल में घुल जाती है और आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीली परत निकल आती है।
जिससे आभूषण तो नए लगने लगते हैं किंतु उसके भार में कमी आ जाती है, क्योंकि अम्लराज में सोना घुलकर चला जाता है। ऐसे आभूषणों के सोने की ऊपरी परत के इस घोल में घुलने से होती है। आज यह इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न पूरा हुआ। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखकर जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न गृह कार्य प्रश्न एक, धातु एवं अधातु क्या है? धातु एवं अधातु क्या है? धातु एवं अधातु के गुणों की तुलना कीजिए। प्रश्न दो, शुष्क बर्फ एवं शुष्क बर्फ एवं भारी जल क्या है? इनके उपयोग भी लिखिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।